हाँ जी, गुड इवनिंग कैंडिडेट्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे आज के YouTube के लाइव सेशन के अंदर। जल्दी से हमारी क्लास के अंदर ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के टॉपिक के अंदर जो हम आज के सेशन के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज मौर्य डायनेस्टी। ठीक है जी, सो मौर्य डायनेस्टी के बारे में हम आज के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज का सेशन क्या होने वाला है, दैट इज मौर्य डायनेस्टी। सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, लाइक कर दो, जितने भी बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट है लाइक कर दो सेशन को, एंड चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक एंड सब्सक्राइब सबसे पहले आते ही आपने करना है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी क्लास के अंदर सारे बच्चे ज्वाइन हो जाइए भाई। एक दो मिनट हम और वेट करेंगे ताकि और कोई कैंडिडेट अगर हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है तो ज्वाइन कर सके। देन फर्दर विल स्टार्ट विद द सेशन, दैट इज मौर्य डायनेस्टी। जल्दी जल्दी क्लास के अंदर सारे बच्चे आ जाओ भाई। जय हिंद विजय, जय हिंद देव, जय हिंद नवीन, जय हिंद गौरव, जय हिंद रुचिर, जय हिंद अनुराग, जय हिंद नरेंद्र, जय हिंद धीरज, जय हिंद सूर्य प्रताप। जल्दी जल्दी क्लास के अंदर सारे बच्चे आ जाइए यार, बहुत कम बच्चे अभी लाइव हैं क्लास के अंदर। जल्दी से सारे बच्चे क्लास के अंदर लाइव हो जाओ, ठीक है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का, दैट इज मौर्य एम्पायर। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी क्लास के अंदर आ जाओ सारे। चलिए हम जो है अब पढ़ने वाले हैं टॉपिक, दैट इज मौर्य डायनेस्टी। ठीक है जी, स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लीजिए, दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप जो है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आपने वहाँ पर डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपको जो है वहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, NDA, CDA, CFCAT, XY, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। उसके बाद आपने जो है गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना है, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस होंगे 1 month, 3 month, 6 months या फिर 1 year का कोर्स सिलेक्ट करने के लिए। वहाँ पर अपना कोर्स सिलेक्ट करिए, जितना भी आप अफोर्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, चाहे आप 6 months वाला अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले लीजिए, अदरवाइज 1 year वाला अगर आप 11th के अंदर है तो वो ले लीजिए, ठीक है। तो 6 months वाला अगर आप कोर्स लेते हैं, 6 months वाला अगर आप कोर्स लेते हैं तो उसके ऊपर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा हर किसी के ऊपर, चाहे 1 month वाला ले, 3 months वाला ले, 6 months वाला ले या फिर 1 year वाला ले, हर किसी के ऊपर आपको जो है 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, 10% यहाँ पर आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, रेफरल कोड आप इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ टीम अर्पित। ठीक है जी, टीम अर्पित का रेफरल कोड इस्तेमाल करने के बाद आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और अनअकैडमी के प्लस के कोर्स के अंदर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। सो प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स, वेल क्वालिफाइड टीचर्स आपको टीच कर रहे हैं और साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशन, मॉक टेस्ट और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको जो है प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेंगे। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज मौर्य एम्पायर। ठीक है जी, मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं आज के सेशन के अंदर हम। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। द मौर्य पीरियड इज वन ऑफ द रिमार्केबल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। मौर्यंस रूल्ड ओवर एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट केरला, तमिलनाडु एंड सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि मौर्य डायनेस्टी के हमारे फाउंडर कौन थे। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर बताओ जरा कौन थे। हाँ जी, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर बताओ जरा, जल्दी से बता दो जरा यहाँ पर कि मौर्य डायनेस्टी जो थी हमारी उसके फाउंडर कौन थे। आप लोगों के कमेंट्स सबके मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे को। आप लोगों के कमेंट्स सबके रीड कर रहा हूँ मैं भाई, जल्दी जल्दी बताओ जरा। मौर्य डायनेस्टी जो थी, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को पता है इसके बारे में। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हम बात करने वाले हैं मौर्य डायनेस्टी की। तो मौर्य डायनेस्टी के अंदर जो है फाउंडर कौन थे मौर्य डायनेस्टी के, दैट वॉज चंद्रगुप्ता मौर्य। ठीक है जी, कौन थे, चंद्रगुप्ता मौर्य। चलिए ये मैं जो है रेज कर देता हूँ बिकॉज यहाँ पर मुझे आपको समझाना पड़ेगा। सो मौर्य डायनेस्टी जो थी इसके फाउंडर थे हमारे, दैट वॉज चंद्रगुप्ता मौर्य। अब चंद्रगुप्ता मौर्य की जो लाइफ है, उनका जो एम्पायर है, उसको जो हम 4 parts के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, इनकी लाइफ के अंदर 4 main हिस्से थे जिसको हम डिवाइड करेंगे, उनकी लाइफ के जो हिस्से थे उनको 4 parts के अंदर डिवाइड करेंगे और कैसे उन्होंने मौर्य एम्पायर जो सेटअप किया था उसके बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पहला रोल प्ले उनकी लाइफ के अंदर किसने किया था, दैट वॉज नंदा डायनेस्टी।
ठीक है जी, सबसे पहले पार्ट के अंदर आती है हमारी दैट इज नंदा डायनेस्टी, और नंदा डायनेस्टी के रूलर कौन से, दैट इज धनानंदा। ठीक है जी, सो पहला पार्ट जो है दैट इज नंदा डायनेस्टी, बेसिकली क्या था, ये मगधा रीजन था, मौर्यंस जो थे वो मगधा रीजन के ऊपर, चंद्रगुप्ता मौर्य जो थे वो मगधा रीजन के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहते थे, जिसकी पाटिल थी पाटलिपुत्र, तो उनको जो है मगधा एम्पायर जो था बहुत ज़्यादा आकर्षित करता था, और उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि मैं जो है मगधा रीजन के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करूँगा, इसी वजह से इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी फोर्सेज को गैदर किया और उन्होंने अटैक कर दिया किसके ऊपर, दैट इज नंदा डायनेस्टी के ऊपर, और नंदा डायनेस्टी के उस टाइम पे रूलर थे दैट इज धनानंदा। ठीक है जी, उस टाइम पे जो रूल कर रहे थे नंदा डायनेस्टी को दैट वाज धनानंदा, इज इट क्लियर। सो यहाँ पर जब अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी फोर्सेज के साथ मिलकर धनानंदा के ऊपर अटैक किया, तो यहाँ पर जो है धनानंदा ने चंद्रगुप्त मौर्य को हरा दिया। पहला पॉइंट बता रहा हूँ आपको, चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, पहले पॉइंट के अंदर यहाँ पर जो है धनानंदा ने चंद्रगुप्त मौर्य को हरा दिया। ठीक है जी, ये बात क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या हुआ भाई, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर भाई यहाँ पे हार हासिल करने के बाद बहुत ज़्यादा निराश हो गए चंद्रगुप्त मौर्य, और कुछ टाइम उन्होंने क्या किया, जंगलों के अंदर व्यतीत किया। ठीक है, कुछ टाइम उन्होंने जंगलों के अंदर व्यतीत किया, और उन्होंने बेसिकली क्या किया, अपनी स्ट्रैटेजी उन्होंने जो है अपना जो माइंडसेट चेंज करा, उनको पता चल गया था कि मेरा माइंडसेट करेक्ट नहीं है, मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो करेक्ट नहीं है, इसकी वजह से मैं खुद अपनी हार मतलब अपनी वजह से हारा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी, उनको पता था कि अभी उनकी फोर्सेज जो हैं वो वीक हैं, सो वो नंदा डायनेस्टी को हराने में अभी कामयाब नहीं होंगी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी, और इसके बाद इन्होंने नंदा डायनेस्टी के ऊपर अटैक करने की बजाय इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने ग्रीक्स के ऊपर अटैक किया, किसके ऊपर, ग्रीक्स के ऊपर अटैक किया। ठीक है जी, ग्रीक्स के ऊपर अटैक किया इन्होंने, और ग्रीक्स के ऊपर जो है इन्होंने जीत हासिल कर ली। ठीक है जी, ग्रीक्स के ऊपर जो है जीत हासिल कर ली, और यहाँ से सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो किसका हुआ, यहाँ पर से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ दैट इज ऑफ, हाँ जी, किसका नुकसान हुआ सबसे ज़्यादा, दैट इज अलेक्जेंडर, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था यहाँ पे वो किसका हुआ, दैट इज अलेक्जेंडर। कैसे हुआ भाई ये नुकसान ग्रीक्स का, बिकॉज कैसे, बिकॉज यहाँ पर जो था एक बैटल थी दैट इज बैटल ऑफ हाइड्रापस। ठीक है जी, बैटल ऑफ हाइड्रापस, इसके अंदर जो है अलेक्जेंडर ने ग्रीक्स को भी हराया था, और सिंध रीजन और पंजाब रीजन जो अपने कंट्रोल एक्सरसाइज कर रखा था उन्होंने अप टू दी रिवर इंडस, और ये चीज़ का बेनिफिट जो है वो कौन उठा गया था, चंद्रगुप्ता मौर्य, उसने क्या किया ग्रीक्स को हराने के बाद सारा जो कंट्रोल था वो अपने रीजन में ले लिया, मतलब पंजाब का जो ईस्टर्न पंजाब का जो रीजन था, सिंध रीजन था, अप टू द इंडस रिवर, ये सारा एरिया जो अलेक्जेंडर सोच रहा था वो ऑक्यूपाई करेगा, वो सारा रीजन जो है वो किसने अपने कंट्रोल में ले लिया, दैट इज चंद्रगुप्ता मौर्य ने। ठीक है जी, चंद्रगुप्ता मौर्य ने ये सारा रीजन ले लिया, कौन कौन सा, ग्रीक्स को हराने के बाद ईस्टर्न पंजाब, ईस्टर्न पंजाब का रीजन, सिंध रीजन, अप टू द रिवर इंडस। ठीक है जी, इंडस रिवर तक जो सारा एरिया था वो उसने किसने अपने सुजरेनिटी के अंदर ले लिया, किसने अपने कंट्रोल एक्सरसाइज कर लिया था, दैट इज चंद्रगुप्ता मौर्य। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ था दैट इज किसको हुआ था, अलेक्जेंडर को, क्योंकि उसने सोचा हुआ था पंजाब का रीजन, सिंध का रीजन और इंडस रिवर तक का जो रीजन है वो अपने कंट्रोल में ले लेगा, लेकिन यहाँ पर उसको जो नुकसान का मुंह देखना पड़ा, नुकसान झेलना पड़ा, बिकॉज जो है यहाँ पर चंद्रगुप्ता मौर्य ने ग्रीक्स को हरा कर सारा कंट्रोल जो था अपने हाथ में ले लिया। अब थर्ड क्या किया इसने, यहाँ से इसने क्या कर लिया, अपनी फोर्सेस को बड़ा कर लिया, ईस्टर्न पंजाब अपने सुजरेनिटी में ले लिया, सिंध का रीजन ले लिया, अप टू द रिवर इंडस, तो इसकी फोर्सेस भी बड़ी होगी और इसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अब इसने सोचा कि भाई अब मैं तैयार हूँ, पहली बार तो इसको हरा दिया था धनानंदा ने जो कि नंदा डायनेस्टी के रूलर थे, लेकिन इसने क्या किया, अब जो अपनी फोर्सेस को दोबारा से तैयार किया, दोबारा से गैदर किया, और जो है दोबारा अटैक किया किसके ऊपर, दैट इज नंदा डायनेस्टी के ऊपर, और इस बार जो है ये हराने में
कामयाब हो गया था, ठीक है, फॉट एंड वॉन द बैटल। थर्ड पार्ट के अंदर क्या हुआ, फॉट एंड वॉन द बैटल, ठीक है जी, और इसने जो था सारा मगधा रीजन जो था अपने कंट्रोल में ले लिया। सो अब ऑल इन ऑल इसकी सुजरेनिटी किसके ऊपर हो गई थी, पूरा मगधा रीजन और साथ ही साथ इंदस रीजन, पंजाब, ईस्टर्न पंजाब अप टू द रिवर इंदस, अब सारा जो था इनका जो था कंट्रोल एक्सरसाइज कर लिया था इन्होंने। आप कह सकते हो कि मौर्य एम्पायर ने इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, मतलब कुछ स्टेट्स को छोड़कर, कुछ पोर्शन को छोड़कर, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ जो पोर्शन को छोड़कर हम जो है मतलब मौर्य एम्पायर ने पूरे इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है कंट्रोल एक्सरसाइज कर रखा था, ठीक है, तमिलनाडु, केरला और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़कर इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो था वो मौर्य एम्पायर ने कंट्रोल एक्सरसाइज कर रखा था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको ये बात क्लियर है, सबको ये बात क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट जो आती है हमारी, हमने बात करी थी यहाँ पर दैट इज अलेक्जेंडर की, कि भाई अलेक्जेंडर का जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर वो नुकसान झेलना पड़ा था, तो इसी चीज़ का रिवेंज लेने के लिए उसने किसको भेजा था, इस चीज़ के बारे में फोर्थ पॉइंट क्या है अभी आपको मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है इसकी जो मौर्य एम्पायर के अंदर वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, चंद्रगुप्ता की लाइफ के अंदर जो है क्या हुआ था फोर्थ पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट आपको समझ आ गया, तीन पॉइंट समझ आ गए कि पहले पॉइंट के अंदर उसने नंदा डायनेस्टी के ऊपर अटैक किया था बिकॉज वो मगधा रीजन के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहता था और यहाँ पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद इसने ग्रीक्स को हराया, स्ट्रैटेजी चेंज करी, पंजाब का, सिंध का और इंदस रिवर तक जो अपना एरिया जो था वो उसने अपने कंट्रोल में ले लिया और यहाँ पर बैटल ऑफ हैदराबाद का जो बेनिफिट वो नहीं उठा पाया अलेक्जेंडर। और थर्ड पॉइंट के अंदर क्या हुआ कि उसने जो दोबारा नंदा डायनेस्टी के रूलर दैट इज धनानंदा के ऊपर अटैक किया और नंदा डायनेस्टी को हरा दिया, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा हम स्लाइड्स के थ्रू भी पढ़ लेते हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चों को है जो स्लाइड्स के थ्रू पढ़ने की आदत है, सो मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, आप कह सकते हो पूरी इंटायर इंडियन हिस्ट्री के अंदर इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रखा था हमारे मौर्य एम्पायर ने, आप कह सकते हो बहुत ही बेहतरीन हमारा जो था मौर्य एम्पायर था, वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर था हमारे देश के ऊपर जिसने रूल किया है, ठीक है जी। तो मौर्य डायनेस्टी की मैं बात कर रहा था तो केरला, तमिलनाडु और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़कर इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो था वो मौर्य एम्पायर ने कंट्रोल एक्सरसाइज कर रखा था, ठीक है जी। ये टेलीग्राम ग्रुप नहीं है भाई, ठीक है, इसको मत फॉलो करना, ये टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, इसका नाम चेंज कर दिया गया, दैट इज टीम अर्पित, ठीक है, टीम अर्पित है टेलीग्राम ग्रुप का नाम, ठीक है जी, ये है टेलीग्राम ग्रुप का नाम, तो इसको फॉलो कर लेना, यही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, यही हमारा जो है बेसिकली प्लस चैनल के ऊपर अगर आपने एनरोल करना है प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर अन अकेडमी के तो उसी का ही रेफरल कोड भी है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, कौटिल्यास अर्थशास्त्र, ठीक है जी, कौटिल्या की अर्थशास्त्र, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ट्रीटीज ओवर प्रोड्यूस इन इंडिया। द अर्थशास्त्र समराइजेस द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य चीफ मिनिस्टर कौटिल्या ऑल्सो नोन एज चाणक्य और विष्णुगुप्ता, ठीक है। कौटिल्या की अर्थशास्त्र क्या थी, ये बेसिकली किताब थी जिसके अंदर जो है उसने अपनी राजनीतिक सूझबूझ के बारे में, वॉर टैक्टिक्स के बारे में, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और उसको एम्पायर कैसे रन करना चाहिए चंद्रगुप्ता मौर्य को, ये सारी बातें बताई गई थी किसके द्वारा, दैट इज चाणक्य और जिसको हम विष्णुगुप्ता भी कहते हैं और जिसको हम कौटिल्या भी कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है कौटिल्या जो है किसका नाम है, चाणक्य का ही नाम है, चाणक्य या फिर उसको हम विष्णुगुप्ता भी कहते हैं, विष्णुगुप्ता भी कहते हैं। और ये कौन था, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, ठीक है जी, चीफ मिनिस्टर था किसका, चंद्रगुप्ता मौर्य का। इसके अंदर उसने मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में, राजनीतिक सूझबूझ के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेंशन था कि आपने कैसे जो है अच्छे तरीके से इफेक्टिवली रन करना है, इसके बारे में इस किताब के अंदर बताया गया था। बहुत टाइम पीरियड तक जो थी बेसिकली ये किताब गुम हो गई थी लेकिन इसकी दोबारा जो है कॉपी री डिस्कवर की गई थी 1905 के अंदर, ठीक है जी, 1905 के अंदर इसकी एक कॉपी जो थी रीडिस्कवर की गई थी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको ये बात क्लियर है भाई, सबको ये बात क्लियर है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बफर यार 2 मिनट रुको।
घबरा ना जाया करो एक मिनट में, घबराना नहीं है यार, एक मिनट में घबराना जाया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं दैट इज दिस बुक। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इस किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में, कैसे अपने अपना एम्पायर को रन करना है इफेक्टिवली, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे और एम्पायर के साथ सेट करने, इस चीज़ के बारे में बताया गया था। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी जैसे एग्रीकल्चर के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, माइनिंग के बारे में, और प्रिजनर्स के बारे में, लॉ के बारे में। ये सारी चीज़ें जो थी ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर मेंशन थी, कि मतलब सारी चीज़ें जो एक एम्पायर को अच्छे तरीके से रन करने के लिए चाहिए होती है वो इस किताब के अंदर मेंशन थी। जब किताब लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं या फिर हम इसको विष्णुगुप्ता भी कहते हैं, और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, चीफ मिनिस्टर थे। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको बात क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए लाइक करते रहिए सेशन को यार, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, सब्सक्राइब जरूर करा करो, सब्सक्राइब करे बगैर चले जाते हो तुम क्लास से, जिसने नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्या है, मेगेस्थनेस। मेगेस्थनेस कौन था भाई, मेगेस्थनेस कौन था किसी को पता है? मेगेस्थनेस था ग्रीक हिस्टोरियन। कौन था ये? ग्रीक हिस्टोरियन था भाई। मेगेस्थनेस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, ठीक है। और मेगेस्थनेस को किसने भेजा था? दैट इज सिलकस निकेटर। मेगेस्थन इंडिका इज एन अकाउंट लेफ्ट बाय ग्रीक एम्बेसडर मेगेस्थनेस सेंट बाय सिलकस निकेटर, ठीक है जी। मेगेस्थनेस को किसने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में? दैट इज सिलकस निकेटर ने। और सिलकस निकेटर था कौन था ये बताओ जरा, सिलकस निकेटर कौन था किसी को पता है? जल्दी से बता दो जरा, जल्दी से बता दो जरा। जल्दी से बताओ जरा इसका सिलकस निकेटर कौन था? हाँ जी कमेंट देख रहा हूँ सबके, कोई यहाँ पर अब तक दिया नहीं किसी ने जवाब। सिलकस निकेटर कौन था? बहुत बढ़िया, अलेक्जेंडर की आर्मी का जो जनरल था उसका नाम था सिलकस निकेटर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में चार पार्ट्स के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की पार्ट लाइफ है जो डिवाइडेड है, फोर्थ पॉइंट मैंने बताना था आपको। तो यहाँ पर जो बात आती है हमारी दैट इज सिलकस निकेटर की। अब इसको किसने भेजा था? सिलकस निकेटर ने भेजा था मेगेस्थनेस को। और सिलकस निकेटर कौन था? अलेक्जेंडर की आर्मी का जनरल था, उसकी अलेक्जेंडर का ही बदला लेने के लिए सिलकस निकेटर ने मेगेस्थनेस को भेजा था, ठीक है जी। बिकॉज अलेक्जेंडर यहाँ पर बेनिफिट नहीं उठा पाया था बैटल ऑफ हैदराबाद का, तो उसी चीज़ का रिवेंज लेने के लिए ही ये सारे लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के अंदर आए थे। तो यहाँ पर जो है सिलकस निकेटर अलॉन्ग विद अलेक्जेंडर वहाँ पे अपनी फोर्सेस को लेकर पहुँच गया बदला लेने के लिए। भाई मेरा जो है यहाँ पर तूने सारा हिस्सा खा लिया, सारे लोग भी ले गया, पैसे भी ले गया, सारा एम्पायर भी तू चला रहा है, तो मैं तो यार फायदा ही नहीं हुआ मेरा तो, अलेक्जेंडर ने बोला इसको चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उसको पता था कि भाई अलेक्जेंडर की भी आर्मी बहुत बड़ी है, सिलकस निकेटर उसके साथ मिला हुआ है, और चंद्रगुप्त मौर्य की भी आर्मी बहुत बड़ी थी, ये अलेक्जेंडर को पता था। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, म्यूचुअल सेटलमेंट कर ली, अलायंस फॉर्म कर लिया। उन्होंने क्या बोला कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, क्योंकि यहाँ पे चाणक्य था बहुत तेज था, कौटिल्य जी भी कहते हैं जिसको, या फिर विष्णुगुप्ता भी कहते हैं, तो इसने क्या किया एक स्कीम पास ऑन करी। उसने बोला कि भाई 500 मेरे से तू लड़ाकू हाथी ले जा, अलेक्जेंडर को बोला, और जाके किसी और रीजन के ऊपर अटैक कर दे, ठीक है। सो उन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ 500 हाथी, 500 एलिफेंट्स, फाइटर एलिफेंट्स कह सकते हैं आप, ठीक है, फाइटर एलिफेंट्स जो थे, फाइटर एलिफेंट्स दे दिए इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको, दैट इज अलेक्जेंडर को। और वो उसको बोला कि भाई जाके किसी और एम्पायर के ऊपर रेड कर दे, जाके उससे दूसरे एम्पायर के ऊपर अटैक कर दे, यहाँ से चला जा। सो ये चाणक्य ने उसको सुझाव दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, और ऐसा ही किया उसने, 500 हाथी लिए और वहाँ से वो चला गया, ठीक है जी। ये बात क्लियर है सबको? फिर क्या हुआ भाई, द बुक। अब मेगेस्थनेस की जो इंडिका थी ये जो ज़्यादा टाइम पीरियड तक जो है बेसिकली सर्वाइव नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके जो फ्रैगमेंट्स थे, थोड़े बहुत हिस्से थे, वो जो है बेसिकली
बाद में जो है पाए गए थे, ठीक है जी। दिस बुक हैज नॉट सर्वाइव्ड बट इट्स फ्रैगमेंट्स हैव बीन प्रिजर्व्ड इन ग्रीक एंड लैटिन वर्क्स ऑफ डियोडस हिस्टोरियन हु हैज डिस्क्राइब्ड अलेक्जेंडर्स इंडिया कैंपेन एंड प्रोवाइड्स जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो इनकी मेगास्थेनिस की जो इंडिका थी, ये जो किताब थी, ये जो ज़्यादा टाइम पीरियड तक जो बेसिकली सर्वाइव नहीं कर पाई थी, लेकिन कुछ इसके पन्ने जो थे, ये डियोडस जो था बेसिकली हिस्टोरियन था, ये इसने अपने कामों के अंदर, अपनी किताबों के अंदर मेंशन करके रख रखा है। और इसके अंदर बेसिकली क्या बता रखा था इसने, डियोडस जॉन था, इसने जो बेसिकली अलेक्जेंडर ने जब इंडिया को विजिट किया था उसके इंडिया के कैंपेन्स के बारे में भी बता रखा था, ठीक है जी। सबको ये बात क्लियर है यार? बार बार मॉडरेटर मत कर भाई, कौन कर रहा है? सूर्य प्रताप या निखिल मेहला जो भी हो, तुम में से कौन कर रहा है टाइम आउट? टाइम आउट मत करो भाई किसी को भी, ठीक है। सबको ये बात क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। अब नेक्स्ट क्या है? अब रूलर्स देख लो भाई, किस किस ने हैं जो बेसिकली रूल किया था मौर्य डायनेस्टी के अंदर। सबसे पहले रूलर कौन थे? दैट इज चंद्रगुप्ता मौर्य, जो कि फाउंडर थे, ठीक है, 321 से लेके 297 BC तक जो था चंद्रगुप्ता मौर्य ने रूल किया। उसके बाद जो है कंट्रोल एक्सरसाइज कर लिया था बिंदुसारा ने, जो कि उनके बेटे थे, 297 से 272 BC तक बिंदुसारा ने रूल किया। उसके बाद जो है बिंदुसारा के बेटे ने रूल किया था जिसका नाम था अशोका, ठीक है, 272 से 232 तक जो था वो अशोका ने रूल किया। उसके बाद किसने रूल किया? अशोका के ग्रैंडसन जिसका नाम था दशरथ, उसने 252 से 224 तक रूल किया। संप्रति भी जो है ग्रैंडसन था, ठीक है, 224 से 215 तक इसने कंट्रोल एक्सरसाइज किया था। फिर उसके बाद किया सालिसुका ने, इसने 12 साल तक रूल किया था, 215 से 202 BC तक। फिर उसका देवावर्मन 202 से 195 BC, उसके बाद सताधर्मन 195 से 187 BC, और लास्ट जो रूलर था मौर्य एम्पायर का, दैट वॉज धृतराष्ट्र, इसने 187 से 185 BC तक कंट्रोल एक्सरसाइज कर लिया था, ठीक है। और इसके बाद जो है इसको मार दिया गया था धृतराष्ट्र को, जो कि लास्ट रूलर था। इसके बाद जो है सुंगा डायनेस्टी शुरू हो गई थी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको ये बात क्लियर है भाई? नोट डाउन करना है तो इसको नोट डाउन कर लो, अदरवाइज मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा इसकी PDF। चलिए ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मैप के थ्रू आप लोगों को बता रखा है कि कौन कौन से रीजन के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रखा था इन्होंने। आप पूरा इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट दे सकते हो, यहाँ पे पूरा बाहर भी सारा रीजन जो था इन्होंने कंट्रोल एक्सरसाइज कर रखा था। कुछ हमारी जो है केरला ले लो, तमिलनाडु का रीजन ले लो, और कुछ हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़कर इन्होंने पूरा जो इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो कंट्रोल एक्सरसाइज कर रखा था। जैसे पाटलिपुत्र था, मेन रीजन जो यहाँ पर हुआ था, इसी के पीछे है जो बेसिकली लड़ाई हुई थी उनकी धनानंदा से, ठीक है जी, जो नंदा डायनेस्टी के रूलर थे। इज इट क्लियर? अमोलदीप सिंह यार बार बार स्पैम मत कर, हाउ टू बिकम एडवोकेट, तूने सीधा बात करनी है मेरे से पूछ लियो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो, मैं बता दूंगा आपको कि वकील कैसे बनना है, एडवोकेट कैसे बनना है, ठीक है, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, कहाँ से आप कर सकते हो, वो सब बातें आपको बता दूंगा मैं, मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। बार बार यहाँ पर स्पैम मत कर, बिकॉज बाकियों के कमेंट नहीं दिखते, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्या है? दैट इज चंद्रगुप्ता मौर्य। अब हम थोड़ा बहुत जो हर एक रूलर के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। सबसे पहला रूलर जो है, सबसे पहले फाउंडर जो थे चंद्रगुप्ता मौर्य थे भाई, मौर्य डायनेस्टी के, ठीक है जी। सो द मौर्य एम्पायर वॉज द फर्स्ट लार्जेस्ट एम्पायर दैट एस्टैब्लिश्ड ऑन इंडियन सॉइल अंटिल 324 BC। सबसे बड़ा एम्पायर था जो जिसने बेसिकली है हमारे देश के अंदर कदम रखा था 324 BC तक। सबसे बड़ा एम्पायर जो एस्टैब्लिश किया गया था, दैट वॉज मौर्य एम्पायर। इन अ सीरीज ऑफ बैटल्स ही डिफीटेड धनानंदा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है इन्होंने सबसे पहले अटैक करने की कोशिश करी धनानंदा के ऊपर, वहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा। फिर इन्होंने ग्रीक्स के ऊपर अटैक किया, उनकी फोर्सेस को अपने साथ जोड़ा, ठीक है, पंजाब का रीजन, सिंध का रीजन, और अप टू द रिवर इंडस, सारी फोर्सेज को गैदर किया और दोबारा से अटैक किया, और यहाँ पर इन्होंने जीत हासिल कर ली, और सारा मगधा रीजन, पाटलिपुत्र का जो एम्पायर था, पूरा अपने सुजरानिटी में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, द बुद्धिस्ट लिटरेचर, द महावस्मा और दीपावस्मा गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, ठीक है जी। चंद्रगुप्ता मौर्य हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डिसेंडेंट ऑफ द क्षत्रिय क्लैन ऑफ द मौर्यस ब्रांच ऑफ शाकास, ठीक है जी। क्या कंसिडर किया जाता है इसको? डिसेंडेंट कंसिडर किया जाता है। किसका? क्षत्रियाज का डिसेंडेंट किया जाता है, जो कि शाका एक ब्रांच थी
मौर्य की उसका एक पार्ट है। चंद्रगुप्ता फादर वॉज किल्ड इन अ बैटल एंड ही वॉज ब्रॉट अप बाय मेटर्नल अंकल। ठीक है जी, चंद्रगुप्ता मौर्य के जो फादर थे वो एक लड़ाई के अंदर मारे गए थे और इसको जो है अपने अंकल के द्वारा जो है पाला पोसा गया था और उन्होंने इसको बड़ा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चंद्रगुप्ता टुक एडवांटेज ऑफ द डिस्टर्बेंसेज कॉज्ड बाय द इन्वेजन ऑफ द अलेक्जेंडर एंड हिज सडन डेथ इन 323 BC इन बेबीलोन। ठीक है जी, चंद्रगुप्ता मौर्य ने बेसिकली अपने एम्पायर को, बिकॉज वहाँ पर जो था एक और चंद्रगुप्ता मौर्य के साथ एक और जो है बंदा जो था उस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आग जड़ाई बैठा था, दैट वाज अलेक्जेंडर। वो भी चाहता था इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करूँ, लेकिन 323 के अंदर जो अब अलेक्जेंडर की डेथ हुई उसके बाद जो बेसिकली सारा जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में आ चुका था, दैट वाज चंद्रगुप्ता मौर्य, और वही अकेला रह गया था जो कि क्षमता रखता था इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करने की उस टाइम पर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, विद द हेल्प ऑफ कौटिल्या चंद्रगुप्ता रेज्ड अ लार्ज आर्मी एंड लॉन्च्ड कैंपेन्स। ही फर्स्ट ओवरथ्रू द ग्रीक्स रूलिंग इन द रीजन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है जी, यहाँ पर इसने क्या किया, फिर यहाँ पर मदद ली उसने किसकी, चाणक्या की, विष्णुगुप्ता की या फिर कौटिल्या की, बिकॉज वो जो था बहुत तेज था। ठीक है जी, कौटिल्या जो था बहुत तेज था, उसने चंद्रगुप्ता मौर्य की बहुत ज़्यादा मदद करी, तो उसने सबसे पहले बोला कि यहाँ पर हम जो है ग्रीक्स को पहले खदेड़ के निकालते हैं, उसके बाद हम जो है नंदा डायनेस्टी के ऊपर अटैक करते हैं, बिकॉज ग्रीक्स ने बहुत ज़्यादा दम कर रखा था, तो उनको जो हराने के बाद जो है इसने अपने फोर्सेस को भी बड़ा कर लिया और जो इसका सपना था मगधा रीजन के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करने का वो भी इसने कर लिया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, दैट इज ग्रीक्स अकाउंट मेंशन हिम एज सैंड्रोकुटोस। ठीक है जी, ग्रीक्स जो इसको क्या बुलाते थे, सैंड्रोकुटोस। नेक्स्ट क्या है, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका फाउंड एट गिरनार हिल्स इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात एंड इन सुपारा इन थाने डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र रिफ्लेक्ट दैट दीज एरियाज वर अंडर द रूल ऑफ मौर्य एम्पायर। ठीक है, बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस या पत्थर के ऊपर, दो चीज़ें होती थी, एक रॉक एडिक्ट्स होते थे, एक पिलर एडिक्ट्स होते थे। ठीक है, हर जगह बेसिकली इंस्क्रिप्शंस होती थी इनकी, महाराष्ट्र रीजन के अंदर, गुजरात रीजन के अंदर, उसके अंदर मेंशनड है और कौन कौन से एरियाज के ऊपर इन्होंने कंट्रोल एक्सरसाइज किया है वहाँ पर ये चीज़ें बताएगी और कितना बड़ा एम्पायर जो था मौर्य एम्पायर था उसके बारे में इन इंस्क्रिप्शंस कर रखी है इन जगहों पर, महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी। ठीक है जी, इन साउथ इंडिया अशोकाज इंस्क्रिप्शंस हैज बीन फाउंड एट मास्की येरागुडी एंड चीतल दुर्गा कर्नाटका। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी इंस्क्रिप्शंस इसकी पाई गई हैं, कहाँ कहाँ पर, मास्की येरागुडी और चितकल दुर्गा जो कर्नाटका के अंदर है, ये सारी जगहों पे भी इसकी है जो इंस्क्रिप्शंस पाई गई है जिसके बारे में बताया गया कि इसका एम्पायर कितना बड़ा था, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशंस कर रखी थी इसने अपने एम्पायर के अंदर, ये सारी बातें हैं जो कि इन इंस्क्रिप्शंस के अंदर मेंशन थी, जो कि पाई गई थी मास्की येरागुडी और चीतल दुर्गा के अंदर जो कि कर्नाटका के अंदर है। It is clear that Chandragupta had established a vast empire extended from Afghanistan in the west to the Assam in the east and from Kashmir in north to Karnataka in the south. अब पूरा आप कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया entire Indian subcontinent के ऊपर इसने control exercise कर रखा था। ठीक है, कुछ north eastern states को छोड़कर और केरल और तमिलनाडु को छोड़कर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का, अफगानिस्तान west में, अफगानिस्तान से लेकर असम तक in the east। ठीक है जी, और कश्मीर से लेकर जो आप कह सकते हो कर्नाटका इन दी साउथ, ये सारे एरिया के ऊपर जो था इसने कंट्रोल एक्सरसाइज कर रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज बिंदुसारा सन ऑफ चंद्रगुप्ता डिड नॉट मेक एनी कॉन्क्वेस्ट देयर आफ्टर अशोका इज सेड टू हैव एडेड ओनली कलिंगा टू द मौर्य एम्पायर। अब हमारी जो मौर्य एम्पायर था, मौर्य एम्पायर के अंदर सिर्फ तीन ही इंपॉर्टेंट रूलर थे, दैट वॉज चंद्रगुप्ता मौर्य जो कि सबसे स्ट्रांग थे, उसके बाद जो थे हमारे दैट इज बिंदुसारा, उसके बाद आए हमारे अशोका, यही तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, इन्हीं के बारे में आपको जानने की जरूरत है। बस लास्ट का जो एक रूलर था दैट वाज विध्राष्ट्र, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बाकी रूलर्स के बारे में आपको इतनी नॉलेज रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इन तीन रूलर्स की, दैट इज चंद्रगुप्ता मौर्य, ठीक है, और बिंदुसारा और अशोका, और लास्ट रूलर जो था विध्राष्ट्र, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे दैट वॉज चंद्रगुप्ता मौर्य, और उसके बाद जो एक रूलर थे स्ट्रॉन्ग दैट वॉज अशोका, बिकॉज उसने सिर्फ कलिंगा वॉर जीती थी, उसके अलावा कोई वॉर उसने नहीं जीती थी। ठीक है, लेकिन बिंदुसारा ने जो कि चंद्रगुप्ता मौर्य के बेटे थे, उसने जो है कोई भी एम्पायर के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर रखा था, कोई भी नया एम्पायर जो था अपने एम्पायर के साथ नहीं जोड़ा था, सिर्फ कलिंगा जोड़ा था, वो भी अशोका ने जोड़ा था। ठीक है, चंद्रगुप्ता मौर्य हैड रूल्ड फॉर 24 ईयर्स फ्रॉम 324 BC टू
300 BC, ठीक है जी। 24 साल तक जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने कंट्रोल एक्सरसाइज किया था, ठीक है, 24 साल तक रूल किया था, 324 से लेके 300 BC तक, ठीक है जी। शुभराज ठाकुर यार अपडेट कर ले, अगर तेरी ऐप नहीं चल रही, तेरी क्विज नहीं चल रही तो उसको अपडेट कर लो, आपको अन अकेडमी की लर्निंग आपको, जिस जिसकी नहीं चल रही तो ऐप डाउनलोड करो उसको अपडेट कर लो, जिसने कर रखी है डाउनलोड उसको अपडेट कर लो। टेस्ट का ऑप्शन आएगा नीचे यार, नीचे आइकन्स होते हैं, पढ़े लिखे हो तुम सारे, बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हो, नीचे ऑप्शंस आते हैं टेस्ट के, अपडेट जिसने नहीं कर रखा आपको अपडेट करो, ठीक है जी। चेक करो प्ले स्टोर के ऊपर जाके कि आपकी ऐप जो है अपडेटेड है कि नहीं है, नीचे ऑप्शंस आएंगे टेस्ट के, टेस्ट ऑप्शन के ऊपर जाइए, ज्वाइन किस का वहाँ पर ऑप्शन आएगा, उसके बाद जो कोड प्रोवाइड किया जाता है वो डालो वहाँ पर, उसके बाद आपकी क्विज चल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा हाथ पैर मारने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज बिंदुसारा। अब अशोका के बाद जो कंट्रोल एक्सरसाइज किया था वो किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो कंट्रोल एक्सरसाइज किया था वो किसने किया था, दैट वॉज बिंदुसारा, जो कि बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इसने कब से कब तक रूल किया, 300 से 273 BC तक, ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको बताया बिंदुसारा ने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो था थ्रोन को एक्वायर किया था, ठीक है। हिस्टोरियन, तिब्बतन हिस्टोरियन था एक तारानाथ, उसने क्या बोला था, चाणक्य कंटिन्यूड एज मिनिस्टर ऑफ बिंदुसारा आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य डेथ, हेमाचंद्रा जैन स्कॉलर ऑल्सो कन्फर्म्स द फैक्ट। अब ये क्या बताया गया यहाँ पर कि तिब्बतन था एक हिस्टोरियन, उसने क्या बोला था कि चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ के बाद भी जो है चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य जिसको कहते हैं हम, वही जो था उसका चीफ मिनिस्टर था बिंदुसारा का, और हेमाचंद्र जैन जो कि एक स्कॉलर थे उसने भी ये बात को कन्फर्म किया था, हाँ भाई यही थे, चाणक्य ही था या फिर विष्णुगुप्त ही था। दिव्याधना मेंशंस बिंदुसारा अपॉइंटेड इज एल्डेस्ट सन, ये किताब थी भाई दिव्याधना की, ठीक है। बिंदुसारा उसने क्या बताया गया है कि भाई बिंदुसारा ने सबसे बड़े बेटे को जिसका नाम था सुसीमा उसको अपना वॉयसराय अपॉइंट किया था उसने तक्षशिला का, और अशोका को अपॉइंट किया था वॉयसराय एट उज्जैन, लेकिन ज़्यादा देर तक जो था ये बेसिकली तक्षशिला को एम्पायर को नहीं होल्ड कर पाया था सुसीमा, सो बाद में जो था अशोका को ही इसका वॉयसराय बना दिया गया था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको ये बात क्लियर है, ये सब अनुज तिवारी अभी बताऊंगा कलिंगा वॉर की वजह से कहते हैं, कलिंगा वॉर जो थी उसकी वजह से कहते हैं, उसने बहुत सारी लड़ाई लड़ी थी काफ़ी, लेकिन छोटी लड़ाइयाँ लड़ी थी, काफ़ी बड़ी कोई एम्पायर नहीं लड़ाई नहीं लड़ी थी, सिर्फ एक लड़ाई लड़ी थी, दैट वॉज कलिंगा, ठीक है। इसलिए चलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्या है, अशोका। अब बिंदुसारा के बाद जो थ्रोन के ऊपर आया था, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले आया था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आया बिंदुसारा, बिंदुसारा के बाद आया अशोका, ठीक है जी। अशोका ने कब से कब तक रूल किया था, दैट इज 273 से 232 BC तक, ठीक है जी। अपने फादर की डेथ के बाद 273 BC के अंदर जो है कंट्रोल एक्सरसाइज कर लिया था अशोका ने, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जनापदा कल्याणी और सुभद्रंगिनी वॉज हिज मदर, ठीक है जी। क्या था उनकी मदर का नाम, सुभद्रंगिनी। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ वॉइसरॉय ऑफ उज्जैन एंड तक्षशिला व्हाइल ही वॉज अ प्रिंस, ठीक है। उस टाइम पे बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इनको जो है पहले सिर्फ उज्जैन का बनाया गया था वॉइसराय, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज इनके जो एल्डर ब्रदर थे वो जो है कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था लोगों ने, सो उसकी भी जो कंट्रोल था वो किसने ले लिया था, दैट इज़ अशोका ने, ठीक है जी। तो तक्षशिला का और उज्जैन का दोनों का जो वॉइसराय था वो उस टाइम पे कौन था, दैट वॉज अशोका। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको बात क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, अशोका वॉज वेरी क्रूअल इन हिज अर्ली लाइफ एंड कैप्चर्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स, बट इट अपीयर्स एग्जैजरेटेड इमेज, ठीक है जी। कहा जाता है कि अर्ली लाइफ के अंदर स्टार्टिंग में जो था उसने अपने 99 कजन्स को, मतलब कह सकते हो भाइयों को मार कर जो था वो थ्रोन एक्वायर किया था, ठीक है। जो मगधा का थ्रोन था वो 99 भाइयों को जो है मार कर जो था ये थ्रोन एक्वायर किया था, लेकिन कहा जाता है ये बढ़ा चढ़ा कर कहीं भी इमेज है, इतने लोगों को उसने नहीं मारा था, ठीक है। अशोका हिमसेल्फ स्पीक्स अफेक्शनेटली अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रिलेटिव्स एंड हिज एडिक्ट्स,
ठीक है, ऐसा क्यों भी कहा गया कि भाई ये बाजार चढ़ाकर कही भी बात है, बिकॉज यहाँ पर जो अपने भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में, ठीक है, ये बातें जो है उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें उसने अपनी एडिक्ट्स के अंदर बताया हुआ है। एडिक्ट्स कौन सी? रॉक एडिक्ट्स या फिर पिलर एडिक्ट्स, दो टाइप के एडिक्ट्स होती है जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन की जाती है, ठीक है। एक होती है रॉक एडिक्ट, पत्थर के ऊपर जो चीज़ें लिखी जाती है, एक होती है पिलर एडिक्ट्स, मतलब जो बड़े बड़े पिलर होते हैं उसके ऊपर जो लिखा जाता है। सो एडिक्ट्स के अंदर जो है ये सारी बातें उसने जो है मेंशन की गई है अपने भाइयों के बारे में, अपनी बहनों के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो उसने मेंशन की गई है। इसी वजह से कहा जाता है कि ये सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली बात है कि उसने अपने भाइयों को मारा था। अशोका वॉज द फर्स्ट किंग इन द इंडियन हिस्ट्री हु लेफ्ट हिज रिकॉर्ड्स एंग्रेव्ड ऑन स्टोन्स, ठीक है जी। पहला बंदा था अशोका जिसने जो बेसिकली अपनी जो है जीत के किस्से जो थे वो रॉक्स के ऊपर, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखवाए थे, ताकि दुनिया जो है याद रखे उसके इंस्क्रिप्शंस को कि क्या क्या चीज़ें उसने जीत हासिल करी थी, कहाँ कहाँ पर, और क्या क्या उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर किया था। ये सारी बातें उसने जो पत्थरों के ऊपर, एडिक्ट्स के ऊपर लिखवाई थी, और ये पहला रूलर था अशोका। ठीक है जी, ये बात क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? अशोका's inscriptions are found at 47 places in different regions of India, Nepal, Pakistan and Afghanistan. अशोका की जो inscriptions है वो 47 जगहों पे पाई गई हैं, जिसके अंदर से कौन कौन से regions भी इंक्लूड होते हैं, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब जगह है बेसिकली है जो inscriptions है उसकी mention है। रॉक पिलर्स हैं या रॉक एडिक्ट्स हैं वो हर जगह जो बेसिकली आपको देखने को मिलती है। द इंस्क्रिप्शंस ऑन रॉक आर कॉल्ड एज रॉक एडिक्ट्स एंड दोज ऑन पिलर्स आर कॉल्ड एज पिलर एडिक्ट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो रॉक के ऊपर जो है एडिक्ट्स होती है लिखी जाती है, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, उनको कहते हैं रॉक एडिक्ट्स, और जो पिलर के ऊपर लिखी जाती है उनको कहते हैं पिलर एडिक्ट्स। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ अशोका कैन बी हार्ड फ्रॉम 50 एडिक्ट्स ही प्लेस थ्रू आउट इंडिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज एडिक्ट्स इज रॉक एडिक्ट 13। ठीक है जी। अशोका ने अपनी ज़िंदगी के अंदर 50 रॉक एडिक्ट्स लिखी थी, जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी दैट वाज रॉक एडिक्ट 13। ठीक है जी। और ये कब लिखी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एनडीए के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आया है भाई रॉक एडिक्ट 13 के बारे में। 13 के अंदर क्या मीन के अंदर, ठीक है, 257 से 256 BC के अंदर ये लिखी गई है। ठीक है, तो है कलिंगा वॉर के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? कलिंगा वॉर के बारे में। अशोका's name occurs only in copies of minor rock edict 1 found at 3 places in Karnataka and 1 in Madhya Pradesh. ठीक है जी। उसकी जो copies आप कह सकते हो, कई छोटी rock edicts होती थी, उसकी जो copy है वो कहाँ पे पाई गई है, that is Karnataka के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, और बहुत सारी बाकी सारी जो inscriptions है उसके अंदर जो है basically इसके बारे में नहीं बताया गया। उसका नाम जो है अशोका नहीं लिखा गया, बाकी सारी edicts है जो उसके अंदर जो नाम लिखा गया दैट इज देवम प्रिया एंड प्रियादासी। ठीक है, उसके अंदर जो है इसका नाम जो है बेसिकली अशोका मेंशन नहीं है, दैट इज़ देवम प्रिया और प्रियादासी के नाम से है जो बेसिकली वो चीज़ मेंशनड है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बफर हो रही है क्या? देखिए जरा, सबको क्लियर है? वॉइस आ रही है सबको? अब क्लियर है? एक बार देख लो यार, अब तो नहीं हो रही? एक मिनट वेट करो जरा। अब ठीक है बफर? भाई एक बारी बता दो जरा, कमेंट में बता दो, कमेंट में लिख दो एक बारी सारे। क्लियर है बफर? क्लियर है भाई? पहले ये बताओ सारे जल्दी से। चलो ठीक है, क्लियर है ना सबको? कमेंट में जल्दी से बताओ। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्या है? कलिंगा वॉर। अब अशोका की जिंदगी के अंदर सबसे बेहतरीन जो लड़ाई उसने लड़ी थी और इकलौती जो लड़ाई लड़ी थी उसने, दैट वाज कलिंगा वॉर। ठीक है जी। कलिंगा वॉर किस किस के बीच में हुई थी? अशोका के बीच में हुई थी और राजा अनंथा।
राजा अनंथा जो कि उस टाइम पे कलिंगा के राजा थे उसके बीच में बेसिकली लड़ाई हुई थी। और आज के टाइम पे जो कलिंगा का पोर्शन है, कलिंगा का जो रीजन है, वो किसको कंसिडर करते हैं, दैट इज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो रीजन है इसके लिए बेसिकली है जो राजा अनंथा जो कि उस टाइम पे उड़ीसा के और आज के टाइम का जो उड़ीसा का और आंध्र प्रदेश का जो रीजन है उसके लिए हुई थी। किस किस के बीच में? राजा अनंथा के बीच में और किसके बीच में? अशोका के बीच में, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है बेसिकली यहाँ पर जो अशोका ने जीत हासिल कर ली थी, राजा अनंथा को हरा दिया था। और इस वॉर के अंदर जो है बेसिकली इतना खून बहा था कि उसके बाद जो है बेसिकली अशोका ने लड़ना ही छोड़ दिया था। इट वॉज दी फर्स्ट वॉर आप कह सकते हो जो इतनी वाइड स्प्रेड हुई थी, इतनी ज़्यादा ब्लडशेड हुआ था इस वॉर के अंदर। इसका ब्लडशेड देखकर उसने है जो लड़ाई करना ही छोड़ दिया था और किसको अपना लिया था? बुद्धिज़्म को। और बुद्धिज़्म के अपनाने के बाद उसने है जो बेसिकली फास्ट करना शुरू कर दिया था, फास्टिंग करनी शुरू कर दी थी। और धीरे धीरे फास्ट करने की वजह से उसकी जो है वीकनेस होने लगी बॉडी की और धीरे धीरे उसकी जो डेथ हो गई थी। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? द रॉक एडिक 13 डिस्क्राइब्स ब्राइटली द हॉरर्स एंड मिसरीज ऑफ कलिंगा वॉर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन अशोकास लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बताया वॉर एडिक 13 के अंदर, रॉक एडिक 13 के अंदर क्या बताया गया है कि भाई कलिंगा वॉर के अंदर क्या क्या इंपैक्ट हुआ था और क्या क्या मिसरीज कॉस्ट हुई थी उसके बारे में पूरा जो सिनेरियो था इस रॉक एडिक 13 के अंदर मेंशन था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को, स्टार लगा लो। ठीक है, अशोकास धम्मा द रॉकेट एक्ट 13 डिस्क्राइब्स दैट 1 लाख पीपल वर किल्ड इन दिस वॉर एंड सेवरल लैक्स वर पेरिश्ड एंड 1.5 लाख वर टेकन प्रिजनर्स। ठीक है जी, इसके अंदर जो रॉकेट एक्ट 13 के अंदर ये भी बात बताई गई थी 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है मारे गए थे, कई लाखों की तादाद में लोग जो है घायल हुए थे और 1.5 लाख के करीब जो है उस टाइम पे प्रिजनर बना लिए गए थे। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के द्वारा प्रिजनर बना दिए गए थे। ठीक है जी, कलिंगा राज्य के लोग जो थे उनको प्रिजनर बना लिया गया था। दीज फिगर्स माइट बी एग्जैजरेटेड बट इट्स क्लियरली मेंशन दैट दिस वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द पीपल ऑफ द कलिंगा लाइक वाइज दिस बिकेम द लास्ट बैटल फॉट बाय अशोका। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बताया गया कि 1 लाख लोगों की जो उस टाइम पर डेथ हुई थी, कई लाखों लोग की लाखों की तादाद में लोग मारे गए थे और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया था कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है प्रिजनर बनाए गए थे। कहा जाता है कि ये बढ़ा चढ़ाकर बताने वाली बात है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस लड़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा खून बहा था, बहुत ज़्यादा जाने गई थी और अशोका की ये आखिरी लड़ाई थी। इसके बाद जो इसका ब्लडशेड देखकर, इतना खून खराबा देखकर अशोका ने लड़ाई करना ही छोड़ दिया था और उसकी ज़िंदगी की ये आखिरी लड़ाई थी। इसके बाद इसने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था और धीरे धीरे बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करने के बाद उसने फास्ट करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे इवेंचुअली उसकी डेथ हो गई थी। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको बात क्लियर है? तो आगे, अब ये पार्ट वन था हमारा। ठीक है, अब ये 3 ही रूलर थे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, दैट वाज चंद्रगुप्ता मौर्य, उसके बाद दैट वाज कौन, बिंदुसारा, उसके बाद हमारे अशोका, उसके बाद कई सारे वीक रूलर आए तो यहाँ पर जो है उसके एम्पायर को ठीक तरीके से रन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद फाइनली जो यहाँ पे रूलर आया था, लास्ट रूलर था, दैट वाज विधराष्ट्र, जिसको उसी के ही मिलिट्री कमांडर ने मार दिया था, जिसका नाम था, हाँ जी क्या नाम था, पुष्यमित्र सुंगा। पुष्यमित्र सुंगा ने बेसिकली उसको मार दिया था, उसके बाद से सुंगा डायनेस्टी है जो शुरू हो गई थी। ठीक है, ये जो था हमारा पहला पार्ट था। पार्ट टू जो है हम मौर्य एम्पायर का, वो कल कवर करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है हम वो कल के सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, हमने जो टॉपिक्स यहाँ कवर करेंगे और साथ ही साथ जो एमसीक्यूज हैं इसके हर एक टॉपिक के, वो अगले दिन जो है बेसिकली किसके ऊपर कवर करेंगे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर करेंगे। और वहाँ पर भी क्लासेस जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई एक रुपया भी आपको वहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, वो फ्री क्लासेस होती हैं। तो सारे बच्चों ने वहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा क्लासेस का, जो स्पेशल क्लासेस होने वाली है उसका। ठीक है जी, पॉलिटी की भी होगी, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी हिस्ट्री की भी एमसीक्यू का सेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक बार बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइक कर देना सेशन को सारे जाने से पहले। ठीक है भाई, लाइक कर देना एक बार सारे जाने से पहले, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जिसने अभी तक अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर एनरोल नहीं किया तो भाई एनरोल कर लेना। टीम अर्पित जो है ये हमारा जो है रेफरल कोड है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ ही साथ यही जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है, तो इसको भी है ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको क्लासेस की सारी नोटिफिकेशंस
मिलती रहती हैं। ठीक है बच्चे, और साथ ही साथ अगर आपने मुझसे कोई बात करनी है, जैसे कोई बच्चा कह रहा था पूछना है मैंने कुछ, तो पूछना हो तो यहाँ पर फॉलो कर लेना भाई, यहाँ पे पूछ लेना, ये यूज़र नेम है मेरा इंस्टाग्राम का। ठीक है, कोई बात पूछनी होगी तो पूछ लेना यहाँ पर। ठीक है बच्चे, सो आई होप आपको जो हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। तो आज के हमारे सेशन में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।